इसराइल हमास युद्ध में ईरान की सीधी भूमिका रही है। ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के दम पर मिडिल ईस्ट में काफी लंबे समय से इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और मिडिल ईस्ट ही नहीं, ईरान ने रूस को अपने हजारों कामिकेज ड्रोन भी सप्लाई किए हैं, जिससे उसने यूक्रेन में काफी तबाही मचाई है। इसके अलावा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट्स भी रूसी सेना के पास सप्लाई हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अब एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जो इसराइल और अमेरिका के लिए किसी भी हाल में अच्छी नहीं हो सकती है। दरअसल हाल ही में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में इस बात का खुलासा हुआ है कि ईरान ने अपने दो प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल केंद्रों में उत्पादन कई गुना तेजी से बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि ईरान के 3 सीनियर अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है और ये पूरा खुलासा 2 अमेरिकी रिसर्चर्स ने किया है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें मोदारेस मिलिट्री बेस की हैं, जिन्हें कमर्शियल सैटेलाइट फर्म प्लैनेट लैब्स ने लिया है। होजर मिसाइल प्रोडक्शन परिसर की तस्वीरें अप्रैल 2024 में ली गई थी, जिनमें 30 से ज्यादा नई बिल्डिंग्स इन कॉम्प्लेक्स में नजर आ रही हैं, और ये दोनों ही बेस राजधानी तेहरान के काफी करीब हैं। और प्लैनेट लैब्स की इन तस्वीरों को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिव्यू किया है, जिससे पता चलता है कि कई बिल्डिंग्स को मिट्टी के बड़े ढेरों से घेरा हुआ है। मॉन्टरी में मिडिलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के जेफरी लुइस ने कहा कि इस तरह की संरचनाओं को मिसाइल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें इस तरह से बनाया जाता है ताकि एक बिल्डिंग में हुआ धमाका दूसरी बिल्डिंग में न पहुंचे। लुइस का कहना है कि खोजिर बेस पर मिसाइल प्रोडक्शन पिछले साल अगस्त 2023 में बढ़ाया गया था और मोदारेस में अक्टूबर 2023 में। हालांकि ईरान के पास पहले ही मिडिल ईस्ट में काफी बड़ा हथियारों का जखीरा है। तेहरान के पास 3000 से ज्यादा मिसाइलें हैं जो पारंपरिक और परमाणु हथियारों को ले जा सकती हैं। वहीं ईरान के 3 सीनियर अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि मोदारेस और खोजिर में बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन के लिए इनका विस्तार किया गया है। ईरान के एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि इनमें से कुछ नई इमारतों का इस्तेमाल ड्रोन प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए किया जाएगा और ड्रोन और मिसाइलों के उपकरण रूस को बेचे जाएंगे। वहीं ड्रोन हूती और मिसाइल हिजबुल्ला को भी दिए जाएंगे। हालांकि ईरान के इस अधिकारी के दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने भी इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शाहिद मोदारेस और खोजिर लंबे समय से देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ईरान की छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और रॉकेटों के विकास और उत्पादन से जुड़े हुए हैं, जिसकी देखरेख इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC द्वारा की जाती है। IRGC ही ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करता है।